इन दिनों हर कोई दौड़ती भागती जीवन का हिस्सा बना हुआ है। कामकाज के बोझ और बढ़ते तनाव की वजह से लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में समय के अभाव की वजह से लोग अपनी फिटनेस को भी नज़रअंदाज करने लगे हैं, लेकिन सेहत के प्रति यह लापरवाही हम पर ही भारी पड़ने लगती है। ऐसे में रोज की भागदौड़ से लोगों में राहत दिलाने के मकसद से हर साल एक खास दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रोत्साहित करना है। लोगों को अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में सोचने का मौका देने के लिए हर साल 19 जून को वर्ल्ड सॉन्ट्रिंग डे मनाया जाता है। यह दिन खासतौर पर लोगों को रोज की भागदौड़ से ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अक्सर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए समय समय पर स्वस्थ आदतों को अपनाने, व्यायाम शुरू करने या कम से कम रोजाना चलने की योजना बनाते हैं, लेकिन व्यस्त रहने की वजह से हम इन आदतों को अपना नहीं पाते हैं। ऐसे यह दिन एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इसके इतिहास और इसके महत्व के बारे में। विश्व सॉन्ट्रिंग दिवस भले ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिनों की तरह महत्वपूर्ण न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से फिटनेस और वेलनेस के क्षेत्र में महत्व रखता है। सॉन्ट्रिंग शब्द एक क्रिया है जो चलने की शैली का वर्णन करता है, जिसका अर्थ है धीरे धीरे चलना, मतलब मौज से चलना। संटर शब्द की परिभाषा धीमे और आराम के साथ चलना है। शब्द का संभावित स्रोत मध्य अंग्रेजी शब्द सेंट्रेन है, जिसका अर्थ है म्यूज करना। माना जाता है कि इस खास दिन की शुरुआत अमेरिका के मिशिगन में मैकेनिक आइलैंड के ग्रैंड होटल से हुई थी। विश्व सॉन्ट्रिंग दिवस की शुरुआत WT राबे द्वारा 1970 के बाद से की गई थी। हालांकि कुछ जगहों में 28 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है। सॉन्ट्रिंग से लोगों की एफिशिएंसी 60% तक बढ़ सकती है। ऐसा देखा गया है कि जब लोग किसी सीमा में बंधे नहीं होते हैं, तब वे अपने समय में काम को परफेक्शन के साथ करते हैं। साथ ही यह आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है। यह मस्तिष्क के रक्त प्रवाह को बढ़ाने में भी मदद करता है। पैदल चलने के कई फायदे हैं, उनमें से एक कैंसर के खतरे को कम करना है। विश्व सौंदर्य दिवस मनाने के लिए आप जो अन्य चीजें कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं लंच के समय ब्रेक लें और अपने स्थानीय पड़ोस या पार्क में टहलने जाएं। बस, ट्रेन या मेट्रो से एक या दो स्टॉप पहले उतरना और इत्मीनान से अपने गंतव्य के बाकी रास्ते पर टहलना। अगर आप बाहर घूमने नहीं जा सकते तो घर पर भी आराम कर सकते हैं। सॉन्ट्रिंग की अवधारणा टेनिस और नॉर्वेजियन के हेज के विचार के साथ मिलती है। आप अपने जीवन में बिना किसी बाहरी दबाव के संतुष्टि के क्षणों का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वे किसी रूप में आए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।